दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी सूचना, एक अपील। हमारे जैसे मुल्क में स्वतंत्र मीडिया बहुत जरूरी है। आज लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के जीवन के लिए मीडिया की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता और उनका स्वतंत्र ढंग से फंक्शन करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप स्वतंत्र मीडिया की जरूर मदद कीजिए। न्यूज क्लिक उन्हीं चैनलों में से एक है, उसी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो स्वतंत्र ढंग से अपना कार्य संचालन करते हैं। आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर सदस्यता लीजिए और स्वतंत्र मीडिया की मदद कीजिए। इस तरह अपने देश में जनतंत्र को मजबूत करने की कोशिश में शामिल होइए। तो दोस्तों आज हफ्ते की बात में हम तीन चार कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। ऐसी खबरें जिन पर आम तौर पे सनसनी फैलाई जाती है, आम तौर पे कभी आधा सच दिखाया जाता है, कभी पूरा झूठ बताया जाता है, कभी गढ़ी जाती हैं कहानियां, कभी कहानियों का कोई सिर कोई पैर नहीं होता है। तो दोस्तों एक बड़ी कहानी जो अभी आई है शुक्रवार को तड़के, ये कहानी ओरिजिनेट होती है सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर वही जो किसान आंदोलन का एक बड़ा सदर मुकाम है, जहां पर किसान काफी समय से धरना पर बैठे हुए हैं, और जिस सिंघू बॉर्डर को हमारे देश में फार्मर एजुकेशन का एक तरह से सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, सबसे बड़ा मुकाम माना जाता है, वहां पर शुक्रवार को तड़के 3:30-4 बजे के आसपास एक ऐसी वारदात होती है भयानक नृशंस ढंग की, जिससे कि मतलब सिहर उठता है आदमी जिसके बारे में सुनकर। वहां पर निहंगों के एक समूह, निहंगों का एक डेरा, छोटा सा डेरा वहां पर है, कई निहंग वहां पर हैं, कई ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में पिछले कुछ दिनों से बताया जाता है कि तरन तारण से आया हुआ एक व्यक्ति, लखबीर सिंह नाम बताया गया उनका, वो वहां पर रह रहे थे। उन्होंने भी बताया जाता है कि कपड़े उसी तरह के पहन रखे थे, लेकिन उनके पास बाल पगड़ी वगैरह नहीं था। उनको लेकर एक विवाद पैदा हुआ, और निहंग जो थे उन्होंने माना कि ये सर्वलोक ग्रंथ, उनका एक पवित्र कोई पोथी है, ग्रंथ है, उसके बेअदबी का उन पर आरोप लगा, और कोई पंचों के सामने जाने की बात नहीं आई, न्यायालय के समक्ष जाने की बात नहीं आई, पुलिस के समक्ष जाने की बात नहीं आई। उन्होंने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी, एक तरह से लिंचिंग, एक तरह से हत्या, सीधे सीधे उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, इस आरोप में कि उन्होंने उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, या कि उनके किसी धार्मिक ग्रंथ को वो चुरा कर लेकर भाग रहे थे, इत्यादि इत्यादि। कोई नहीं जानता उस समय, क्योंकि उन लोगों के अलावा और जो व्यक्ति विक्टिम बना उनके अलावा वहां घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था। तड़के उस समय सुबह सुबह अल सुबह जिन कुछ लोगों ने देखा, हो सकता है पुलिस को वो अपनी गवाही दें, अपने बयान दर्ज कराएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक उस व्यक्ति ने अपने को पुलिस के समक्ष समर्पित कर दिया है, जिसका नाम सरबजीत सिंह बताया जाता है। वह एक निहंग है, उसने हत्या की जिम्मेदारी ली है, और लखबीर सिंह जो तरन तारण के चीमा कला गांव के थे, उन्होंने उनकी जो नृशंस हत्या की गई है उसमें निहंगों के, जाहिर है एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा, समूह ने किया होगा, लेकिन सरबजीत ने एक जिम्मेदारी ली है, और वो गिरफ्तार हो गए, उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, और इस दौरान पुलिस उनसे छानबीन करेगी। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से, एक तो ये बहुत ही भयावह है, बेहद नृशंस है, और कानून को अपने हाथ में लेने का एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह कुछ गुट, कुछ ग्रुप, कुछ समूह धार्मिक भावना के नाम पर और इस तरह का बर्ताव करते हैं जो कहीं से न तो कानून के हिसाब से,
न मानवीयता के हिसाब से, न तो धार्मिक भावना के हिसाब से। कोई धर्म इस तरह की हिंसा को, इस तरह की क्रूरता को नहीं सिखाता। और आपस में बैर रखने की बात जो कह गए हैं इकबाल, तो वो भी एक बहुत मशहूर लाइन है कि किसी भी धर्म को, कम से कम भावना यही रही होगी शायर की कि किसी भी धर्म को बैर सिखाने का, बैर कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई मजहब बैर नहीं सिखाता। पता नहीं कैसे धर्म के नाम पर लोग इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतनी हिंसा करने पर उतावले हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये एक आपराधिक घटना है, इसको कानून व्यवस्था की जो एजेंसियां हैं उससे निपटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन पर भी तोहमत लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो राजनीतिक पहलू इस पूरे प्रकरण का है, एक राजनीतिक परिघटना जो किसान आंदोलन है, एक सामाजिक परिघटना जो किसान आंदोलन है, उसको क्रिमिनलाइज करना, उसका एक तरह से उस पर तोहमत लगाना कि इसमें आपराधी घुसे हुए हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी के दौरान जब ये दीप सिद्धू नाम का एक व्यक्ति, जो हुड़दंग पूरा मचाया गया था लाल किले के पास, और किस तरह से पूरे किसान आंदोलन को उसके लिए बदनाम किया गया या करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया। एक्सपोज ये हो गया कि जिन शक्तियों के द्वारा, यहां तक कि जो शासन में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से भी किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसका जल्दी पर्दाफाश हो गया। क्योंकि दीप सिद्धू किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। वो कोई भी व्यक्ति जो जाएगा और वो एक वॉक करते हुए पता चला कि कहीं मंच पे चढ़ गया, किसी नेता को पकड़ लिया, किसी से बात करने लगा और उसने फोटो दिखा दिया और कहा कि हम भी किसान आंदोलनकारी हैं, किसी पर भी कोई अंकुश कैसे हो सकता है कि वो कहे कि मैं भी किसान आंदोलन के साथ हूं। लेकिन दीप सिद्धू किसान आंदोलन का जिम्मेदार आदमी नहीं था, ये बिल्कुल बात साबित हो गई। वो गिरफ्तार किया गया, फिर बेल भी उसको बड़ी आसानी से मिल गई, वरना उस तरह का अगर कोई वारदात करता तो शायद बेल भी जल्दी ना मिलती। न जाने कितने नौजवान, देश के बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान, आसान आसान साधारण साधारण आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिए गए और उनकी जमानत तक नहीं मिलने दी जा रही है। पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकील, न जाने कितने लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस तरह वो प्रकरण, लाल किले वाला प्रकरण किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सामने आया था, इस समय भी इस तरन तारण के जो युवक है, जो व्यक्ति है जिनकी निशंस हत्या की गई है, उनके परिवार के प्रति हमारे जैसे तमाम लोगों की, इस देश के असंख्य लोगों की सिंपैथी है। हमारा ये भी कहना है और किसान आंदोलनकारी भी कह रहे हैं कि जो गुनहगार हैं उनको कड़ा दंड दिया जाए, उन्हें हरगिज छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस घटना की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच कैसे होगी ये तो किसान आंदोलनकारी जाने और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो जाने। लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक नागरिक के रूप में जरूर मैं ये कह सकता हूं कि ये वारदात घटी कैसे, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। इसके बगैर मैं नहीं समझता कि दूध का दूध और पानी का पानी एक अलग अलग हो सकेगा। दूसरी बात कि निहंगों के बारे में एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर जब किसान आंदोलनकारी नेता कई बार कह चुके हैं मन से कि निहंगों का यह कोई काम नहीं है, फिर भी निहंग वहां क्यों है? कानून व्यवस्था को संभालने वाली एजेंसीज क्या इस बात को नहीं जानती कि पंजाब में निहंगों ने कई जगहों पर बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे सिख समाज के लोगों में भी एक तरह की उनके प्रति निराशा है, बहुत ही ज्यादा उनको लेकर आलोचना भी की गई है कई जगहों पर। एक जमाने में निहंगों की जो छवि थी आज से कई सौ साल पहले या दशकों पहले, आज वर्षों से वो छवि गिर चुकी है। और मैं समझता हूं कि इस मामले में जरूर कानून व्यवस्था की जो एजेंसीज हैं उनको अंतर करना चाहिए कि किसान आंदोलनकारी जब स्वयं कह चुके हैं कि निहंगों को वहां नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि हम तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी प्लेटफॉर्म अपना नहीं देते, तो सवाल इस बात का है कि किसान आंदोलनकारियों ने तो निहंगों को कभी प्लेटफॉर्म नहीं दिया। लेकिन अगर कोई उनका डेरा वहां है, अगर कोई टेंट उनकी है, तो उनको सेपरेट किया जाना चाहिए, उनको दूर ले जाया जाना चाहिए, जिससे कि किसान आंदोलन में
शामिल होने के लिए आने वाले लोगों के सामने असुविधा न हो सके और किसी भी तरह की कोई आज की जो घटना घटी है शुक्रवार की, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और यह भी देखा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जो तरन तारण से आए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दलित समाज से आते हैं, तो आखिर वो कितने दिनों से वहां थे, और दूसरी बात कि आखिर उनके पीछे क्या कारण था, क्यों आए, क्योंकि उनके गांव के लोग, उनके घर के भी लोग कह रहे हैं कि वो तो कहीं निकलते नहीं थे जी, उनके पास तो पैसे रुपए भी नहीं होते थे, वो बहुत सारी तकलीफ में थे, बहुत सारी उनकी मानसिक स्थिति भी कई बार खराब होती दिखती थी। तो आखिर क्या वजह है कि वो सिंघू बॉर्डर अचानक पहुंच गए और ये घटना हो गई? तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी गुत्थियां हैं, बहुत सारे रहस्य सामने आ सकते हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या कहानी है। लेकिन किसी भी एजेंसी, किसी भी संगठन को इसके लिए किसान आंदोलनकारियों को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। जिस किसान आंदोलन के सैकड़ों लोग इस दरमियान शहीद हुए हैं, उनकी मौत हुई है, कभी बीमारी से, कभी इस आंदोलन में लगातार शामिल होते रहने के दबाव में, तो ऐसे में किसान आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो एक तो कहानी मैं ये कहना चाहता था, मैंने इस बारे में आज कई नेताओं से बात की और वे सभी नेता जो किसान आंदोलन के हैं, उनका साफ कहना है कि जो उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया है वो उनका यूनानिमस व्यू है कि बिल्कुल वो किसी भी कीमत पर इस नृशंस हत्या को चाहते हैं कि इस नृशंस हत्या के जितने जिम्मेदार लोग हैं, जितने कसूरवार लोग हैं, उनको दंडित किया जाए, लेकिन इसकी छानबीन भी होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हुई। दूसरी जो हमारी कहानी दोस्तों है वो कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी बड़े दिन बाद बैठी है और उसमें सोनिया गांधी ने आज G23 के नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि बहुत सारे लोग जो मीडिया के जरिए हमसे संवाद करते हैं वो सीधे क्यों नहीं करते, मीडिया के साथ संवाद करने की जरूरत नहीं है, मीडिया के मार्फत मुझसे संवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात निकली वो ये इस मीटिंग से कि बहुत सारे लोग अब जो राहुल गांधी के उनके सामने या उनके पीठ पीछे आलोचना किया करते थे, आज वो एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी अध्यक्ष बने कांग्रेस के और राहुल गांधी ने भी कह दिया कि वो इस पर विचार करेंगे, यानी राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, यानी रास्ता साफ है कि फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद नेहरू गांधी परिवार के ही व्यक्ति को मिलेगा। और शायद कांग्रेसी भी यही समझते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस जैसी पार्टी को शायद ही चला पाए, ये एक कांग्रेसियों के अंदर ये धारणा है जो बार बार सामने खुलकर आती है। तो राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है, वो कब बनेंगे, तारीख कब निकलेगी, मुहूर्त कब निकलेगा, हो सकता है कि 2021 में ही चुनाव से पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए और हो सकता है कि फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष बनने के लिए वो 2022 का इंतजार करें, क्योंकि अगले साल संभवतः अगस्त वगैरह के आसपास, सितंबर के आसपास हो सकता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो और उसमें फिर डिक्लेयर किया जाए। तो ये दूसरी कहानी थी हमारी। और दोस्तों तीसरी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है अपने देश की, वो ये है कि हमारी जो प्रतिष्ठा है, हम विश्व गुरु बनने वाले लोग, हम तो दुनिया को सब कुछ शिक्षा देने वाले लोग, अपनी 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 कहानी बताने वाले लोग कि हम कितने महान थे प्राचीन काल में और हम आज फिर महान होते जा रहे हैं और महान बन जाएंगे, हम परमानेंट सीट मांगने वाले लोग सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन की, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी दुनिया के भुक्खड़ मुल्कों की लिस्ट में, हम इस वक्त 116 कुल दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो भुखड़ी के शिकार हैं, यानी भूख के शिकार हैं। वहां भुखड़ देशों की 116 की लिस्ट में भारत की पोजीशन 101वीं हो गई है, यानी हम 101 नंबर पर हैं। हमारे आसपास कौन देश है? मोजाम्बिक है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, कांगो है और पापुआ न्यू गुइना है। तो इस तरह के मुल्कों के साथ हम खड़े हैं, हमसे बांग्लादेश बेहतर स्थिति में है, श्रीलंका भी बेहतर स्थिति में है। अपने देश के तमाम राष्ट्रवादियों के लिए ये बड़ी अजीब एक सूचना है कि पाकिस्तान जो हमसे नीचे रहा करता था अब वो हमसे बेहतर स्थिति में आ गया है, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में आ गया है। अब आप कल्पना कीजिए, म्यांमार भी बेहतर स्थिति में है, कोई भूटान तो खैर बहुत अच्छी स्थिति में है।
तो ये हालत अपने विश्वगुरु की हो गई है कि हम भुक्खड़ मुल्कों में 116 की लिस्ट में 101 में पोजीशन पर हो गए हैं। दोस्तों एचडीआई को लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें एजुकेशन आता है, जिसमें हेल्थ केयर आता है, जिसमें बहुत सारे और जो इस तरह के मानक हैं वो आते हैं, उसमें भी हमारी स्थिति बुरी है। प्रेस फ्रीडम के मामले में हम दुनिया के 65 देशों में एक हैं। हमारी डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है इतना बुरा है कि हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी दोषपूर्ण त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये जो इंडेक्स आया है उसको लेकर भारत सरकार ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, क्योंकि दरअसल हंगर जो इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी की तरफ से आता है, तो उन्होंने बकायदे इस पर प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि ये मापक सही नहीं है, जिस तरह से मापा गया है इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है। हम शुभकामना देना चाहते हैं अपने देश के स्ट्रेटजिस्ट को, प्लानर्स को, कि यूनाइटेड नेशन में उनकी बात को सही माना जाए और हमारी जो हमारा जो इंडेक्स है उसमें थोड़ा सुधार हो सके, हमें माना जाए कि हम उतने भुक्खड़ नहीं हैं जितना हमें बताया गया है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण कहानी है, और बिल्कुल चलते चलते चौथी जो हमारी कहानी है कि नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ये जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है इसकी स्थिति अपने मुल्क में सीबीआई वाली हो गई है। सीबीआई और ईडी तो पहले से बदनाम है कि ये भारत सरकार में जो भी बैठती है पार्टी, यानी सरकार चलाने वाली जो भी पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो उनका भोंपू बन जाता है, उसके लिए काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, झुनझुना बन जाता है। दोस्तों कुछ लोग उसको तोता भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो तोता है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वो उनके डायरेक्शन पर काम करता है। रिमोट कहीं और होता है और काम कहीं और होता है, कदम कहीं और उठाए जाते हैं। यही हाल अपने देश में नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का हो गया है। मुंबई में जो छापेमारी पहले हुई थी और मुंबई में अभी जो केस है, शाहरुख खान एक जाने माने अभिनेता, उनके पुत्र अगर गुनहगार हैं आर्यन खान, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चाहे कोई गरीब आदमी का बेटा हो चाहे अमीर आदमी का बेटा हो, बहुत अच्छी बात है कि कानून सबके लिए समान काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो नशे में नहीं पाए गए, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई नशीला पदार्थ नहीं था, तो क्या किसी के बुलावे पर कि वहां नाच गाना होगा या डांस होगा, न जाने क्या क्या किसी ने क्या कहा होगा, कहा तो यह भी जाता है कि उनको योजना के तहत वहां आमंत्रित किया गया था और वो एक जगह गए और वहां उनको जाने, अभी अभी भी वो क्रूज शिप में घुसे भी नहीं थे तब तक उनको पहले ही पकड़ लिया गया। तो क्या ये सब योजनाबद्ध था, नोबडी नोज, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है उसने तो उनको कई दिनों से जेल में रखा हुआ है और उनकी जमानत की अर्जी चलती है लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती। तो ये आर्यन खां का जो पूरा केस है, इसके पहले हमने देखा था, आप जानते हैं कि कितना बड़ा वो मामला था रिया चक्रवर्ती का, और उसमें निकला क्या, न जाने कितने कितने सारे अभिनेताओं प्रोड्यूसर्स पर मामला चला, ऐसा लगा कि सबको फंसा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड को एक तरह से उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बॉलीवुड का जो करेक्टर है उसमें एक विविधता है, उसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले, तरह तरह के विचार रखने वाले लोग, कहीं ना कहीं हमारे देश में बॉलीवुड पर भी तीखी नज़रें किसी की लगी हैं और बॉलीवुड के लोगों को बदनाम करने के लिए, उनके परिवार को अस्त व्यस्त करने के लिए ऐसा लगता है कि कोई महाअभियान छेड़ा गया है जिसमें एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये एक जनरल इम्प्रेशन उन लोगों में जा रही है जो किसी पार्टी विशेष के समर्थक नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानियां रही चार, हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।